बवासीर और गुदा का कैंसर, इन दोनों बीमारियों के लक्षण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो 40 साल के ऊपर 40% लोगों को होती है, ऐसा लिटरेचर कहता है, पर यह अब छोटी उम्र के लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पर जिनको भी बवासीर होती है आमतौर पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो घरेलू नुस्खे या कहीं से तीन पुड़ियां मिलती हैं या कोई और इलाज, ऐसे इलाज करते हैं ताकि घर बैठे हो सके और किसी को बताना ना पड़े कि उनको बवासीर है, क्योंकि एक झिझक होती है कि हम किसी को बताना नहीं चाहते। नॉर्मली ऐसा पेशेंट का माइंड सेट है, उसके मन में ऐसा बिठा दिया गया कि अगर बवासीर है तो ये बहुत गलत बात है, आपको किसी को बताना नहीं है, तो वो घर बैठे दवाइयाँ खाते रहते हैं। और कई बार, क्योंकि बवासीर और गुदा के कैंसर के लक्षण बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको कैंसर होता है और वो उसको बवासीर समझ के घर बैठे इलाज करते रहते हैं और बीमारी नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाती है। बवासीर और गुदा का कैंसर दोनों में आपको ब्लीडिंग होती है, दोनों में कई बार अगर बवासीर फोर्थ स्टेज में है तो ऐसा लगता है जैसे पॉटी आई है और आप जाते हो तो ब्लड आता है। पर गुदा के कैंसर में कुछ लक्षण डिफरेंट होते हैं, जैसे पेशेंट को बार बार लगता है मुझे पॉटी आई है, वो जाता है थोड़ी सी पॉटी आती है और बाद में ऐसा लगता रहता है जैसे भारीपन हुआ हुआ है, हर थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट जाता है, कभी कभी कब्ज हो जाती है, स्टूल पास ही नहीं होता, ब्लॉटिंग रहती है, अच्छा फिर म्यूकस आता है, स्टूल में म्यूकस आता है। पर हमको समझने वाली बात यह है कि अगर आपको गुदा से रक्त आता है ना, ब्लीडिंग होती है पर रेक्टम, तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, इसका चेकअप कराइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको एक बार श्योर हो जाए कि ये पाइल्स है तो उसके बाद चाहे आप घरेलू नुस्खा करें या डॉक्टरी इलाज करें, दैट इज अप टू यू, पर डायग्नोसिस मस्ट है ताकि जिन भी लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम है वो शुरू में ही डायग्नोज हो जाए। हर साल 6,30,000 लोग बावल कैंसर से मरते हैं दुनिया में, या कैंसर के मरीजों में डेथ के लिए बावल कैंसर सेकंड लार्जेस्ट कॉज है। और अगर शुरू में ही इस बीमारी को डायग्नोज कर लिया जाता है, एडवांस ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है, तो इस बीमारी से 50% लोगों की लाइफ बच सकती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास किसी को भी ये प्रॉब्लम है या आपको है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को चेक करवाइए ताकि आप श्योर हो जाएं कि ये पाइल्स है, कोई और बीमारी नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और यूजफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। Thank you very much.